मीडिया एक ऐसी जगह है जो कि किसी मंदिर किसी मस्जिद हर जगह सबका प्रवेश वर्जित हो सकता है, लेकिन मीडिया ऐसा है जो कि प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो इनका कभी प्रवेश वर्जित नहीं हो सकता। इनकी कोई जाति नहीं, इनका कोई धर्म नहीं, इनकी उपस्थिति हर जगह होती है, चाहे वो किसी भी श्रेणी किसी भी वर्ग के लोग। मीडिया इस समाज में एक इस प्रकार के अमृत का कार्य करता है जो कि बड़े बुरे से बुरे विष को भी 2 मिनट में अमृत बाहर से दिखने के लिए बना देता है। जैसे एक मीडिया वाले आदमी का यदि कैमरा समाज के कितना बुरे आदमी के सामने खुल गया हो, वो आदमी समाज में कितना भी बुरा कितना भी भद्दा हो, लेकिन तुरंत वो आदमी हीरो बन जाता है, तुरंत वो आदमी समाज की भलाई करने वाला बन जाता है। तो मीडिया की कैमरे में इतनी अच्छी ताकत है। और इस समय इंटरनेट के समय में, इंटरनेट के जमाने में सभी बड़े बुजुर्ग लोग टीवी तो नहीं देखते, न्यूज चैनल बहुत कम देखते हैं, जितना कि अपने मोबाइल फोन को देखते हैं। तो इस मोबाइल फोन ऐप के माध्यम से जितना बढ़िया रिस्पॉन्स इस डायनामाइट न्यूज चैनल का है उतना बढ़िया शायद किसी और का होगा, क्योंकि टीवी वाले न्यूज चैनलों को देखने के लिए लोगों को एक जगह बैठना पड़ेगा, लेकिन ये जो इंटरनेट का न्यूज चैनल है इसके लिए कहीं बैठना नहीं। लोग सुबह सो करके उठने से बाद रात सोने के समय तक जो है यह स्थिति वह स्वयं देख सकते हैं कहीं भी किसी भी परिस्थिति में। इसलिए इस जनरेशन के समय में सबसे बढ़िया समाज सुधारक कहा जाए तो मीडिया है। कितना भी बुरा से बुरे प्रवृत्ति का इंसान हो इसके सामने सुधरने का कार्य करता है। और उससे अच्छी बात है कि टीवी चैनल से भी बेहतरीन इंटरनेट का है, इंटरनेट हर जगह उपलब्ध है। इसलिए राधे राधे, ये डायनामाइट चैनल बहुत सफल है और आगे चल के और सफल होने वाला है, तो आप सभी भी जो है इसकी मदद करें। जिस प्रकार से ये 7 वर्ष में जो है 1 करोड़ से ऊपर की अपने सदस्यता ग्रहण किए पूरे विश्व में, उस प्रकार से अभी इसके मुकाबले में इतने कम समय में कोई और न्यूज चैनल कोई और इंटरनेट का चैनल उपलब्ध नहीं है। तो आप सभी सहयोग करें और साथ में ताम्र जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। निश्चय ही यह कहीं न कहीं आपकी बात चरितार्थ होती है। वास्तव में यह देश के स्तंभों में अगर गिना जाए तो यह वास्तव में चौथा स्तंभ है, जो हर क्षण हमारे बीच जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको सबके सामने प्रस्तुत करने का काम करता है। और यह डायनामाइट न्यूज चैनल यह इस समय वास्तव में निर्भीकता पूर्वक सारी बातों को सबके सामने जनता के बीच में ले जाने का काम करता है। प्रभारी हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय मृत्युंजय प्रसाद विशारद जी, संचालक हमारे छोटे भाई श्री ज्ञानंद मणि त्रिपाठी जी, हमारे विशिष्ट अतिथि छोटे भाई इंजीनियर सुशील चंद्रगुप्त जी, अभी सभी हम सामने जो देख रहे हैं सभी हमारे बड़े भाई, सभी हमारे गुरुजन वृंद बैठे हैं, सबका नाम लेके मैं पुकार सकता हूँ। सभी वृद्ध सभी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, ऐसे सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और आज इस कार्यक्रम पे मैं अपनी शुभकामनाएं इस न्यूज चैनल को देता हूं, यहां के प्रभारी को देता हूं, जिसका नाम ही डायनामाइट है। वह कितना डायनामाइट तरीके से न्यूज को देता होगा, जिस प्रकार से 7 वर्षों में बहुत सारे अवार्ड पाए इस न्यूज चैनल ने, वह सामान्य न्यूज चैनल की बस की बात नहीं है। मनोज टिबड़ेवाल जी ने जो छोटा सा न्यूज चैनल खड़ा किया, आज पूरे देश में उस न्यूज चैनल की डंका बज रही है। 7 वर्ष में जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा कवरेज का इनको मान्यता मिल गया, जिस प्रकार जिस तरह बड़े बड़े न्यूज चैनल में काम करके आए हैं मनोज टिबड़ेवाल जी, और एक बड़ा संस्था इन्होंने न्यूज चैनल का खड़ा कर दिया इस पूरे देश में। और सबसे बड़ी चीज होती है, अभी किसी ने बताया गया जी ने बताया कि पत्रकारिता न्यूज चैनल पत्रकार जो होते हैं देश के चौथे स्तंभ होते हैं, ये आंख होते हैं, हमारी आंख होते हैं, कहां गलत हो रहा है अगर पत्रकार न देखे, चैनल न देखे, मीडिया न देखे तो कोई देखता भी नहीं है। जिस प्रकार उसमें भी एक ईमानदारी से देखने का होता है, एक बेईमानी से देखने का होता है। बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जिनको सही चीज
मालूम है लेकिन वो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं है। लेकिन बहुत सारे चैनल हैं, जैसे डायनामेटिक चैनल हुआ, ये सच्चाई को आपके सामने रख देता है, निकाल करके अंदर से सच्चाई जो होती है, किसी का भय नहीं, किसी का कोई डर नहीं, जो सही है वह सही है। इसीलिए 60 वर्षों में जो चैनल देश की आजादी के बाद से काम कर रहे हैं, उस चैनल के बराबर 60 वर्षों में जो 70 वर्ष में जो चैनल आज काम कर रहे हैं, और 7 वर्षों में उसका काम उसकी तुलना में उसके बराबर पहुंच जाना बहुत बड़ी चीज है देश के लिए और इस चैनल के लिए। मैं अपनी शुभकामनाएं दूं इसके पहले डायनामिक चैनल के बारे में हमने जो बताया, हम बहुत कम उसके बारे में जानते हैं। जो भी हमारी जानकारी, छोटी सी जानकारी है उस चैनल के बारे में मैंने आपको बताया, इससे भी अधिक जानकारी मृत्युंजय भैया को है, गौशंकर बाबू को है। लेकिन एक छोटे से चैनल ने एक छोटा सा जो लेकर के चले थे देश को सुरक्षित रखने का, राष्ट्रवादी विचार का, जिस प्रकार से राष्ट्र की बातों का, देश की बातों का, राष्ट्रवादी विचारों का खुल्लम खुल्ला प्रचार प्रसार हमारा डायनामिक चैनल करता है, उसके लिए डायनामिक चैनल को और उसके कर्ता धर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बाणू को विराम दूं, उसके पहले मैं अपने पूज्य संत के चरणों में अपना शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। सभी लोगों को पुनः एक बार मेरा सादर प्रणाम, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सभी